नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अनुपदास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा जानकारी मिलने वाला है, और जो है कड़कनाथ मुर्गी पालन कैसे किया जाता है देसी तरीके से, वो आज आप लोगों को बताएंगे और उसी का जानकारी जो है आज आप लोगों को देने वाले हैं। देख सकते हैं जो गोभी का पत्ता भी दिया गया, किस तरीके से जो है गाँव देहात का जो देसी मुर्गी है और कड़कनाथ मुर्गी किस तरीके से पत्ते को खा रहे हैं। और ये जो मुर्गी है बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आप देख पा रहे हैं सवेरे सवेरे जो है मुर्गियों को दाना दिया जा रहा है, जो गेहूं है गेहूं को किस तरीके से दिया जा रहा है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तक जानकारी पहुँचेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए जो है हमारे जो कड़कनाथ मुर्गी पाल रहे हैं हमारे जो किसान हैं उनसे पूछेंगे मुर्गी पालन से क्या फ़ायदा हो रहा है और कहां से इन्होंने मुर्गी को परचेस किया था, ख़रीदा था, और अभी इसके पास इनके पास जो है कितने क्वांटिटी में है और ये कब से पालन कर रहे हैं। तो भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, आपका शुभ नाम बताइए। भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह आपका नाम है, कौन सा गाँव है, जिला वगैरह सब बताइएगा। ये दुआनापुरा जरहाडी। दुआनापुरा जरहाडी, जिला जो है जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़। भैया ये बताइए कि आप मुर्गी पालन कब से कर रहे हैं, जो कड़कनाथ मुर्गी है दिख रहा है कितना साल से आप कर रहे हैं? दो साल। ये आपने कितना पीस आपने खरीद के लाया था और अभी आपके पास कितना पीस है वर्तमान में? दो पीस तो पहले था। अच्छा, दो पीस पहले था, अभी है कि उसको निकाल दिए हैं? अभी तो नहीं निकाले हैं। अच्छा, अभी तक नहीं बेचे हैं? नहीं बेचे। अभी जो है आपके सामने दिख रहा है, देखिए कड़कनाथ का जो मुर्गा है प्योर काले रंग का, ये देखिए। और जो मुर्गी कितना है अभी कड़कनाथ का जो मुर्गी है जो अंडा वगैरह देती होगी? हाँ, 12-13 है। अच्छा, 12-13 जो है अंडा देती है। और जो है मुर्गा आपने एक ही रखा हुआ है? दो। अच्छा, दो मुर्गा और एक मुर्गा बाहर है। अच्छा, एक मुर्गा जो है ये देखिए ये बाहर में है। दोनों को यदि एक जगह कर दिया जाएगा तो शायद लड़ेंगे, इसलिए नहीं। और ये देखिए जो मुर्गी का जो क्वालिटी है, देखिए इसका एक तो पकड़िएगा वजन कितना होगा लगभग, एक आठों को पकड़िए थोड़ा देखते हैं कैसे। ये देखिए जो है गेहूं का दाना दिया जा रहा है और खा रही है। ये देखिए इसका वजन कितना होगा अभी आपके हिसाब से? ये हाँ, एक किलो हो जाएगा। तो इसको यदि बेचेंगे अभी तो क्या रेट मिल सकता है? आप क्या रेट में खरीदे थे इसको और अभी क्या रेट में जैसे बिक सकता है ये? अभी 600 रुपया किलो बिकेगा। अच्छा, 600 रुपये किलो बिकेगा। और आपने जो लाया था एक मुर्गा मुर्गी उसको कितना में लाए थे, कैसे किलो में लाए थे उसको? 7 की कितना देता है वो? अच्छा, नहीं कि 700 रुपये किलो आप लाए थे। तो कितना साल हो गया लाए आपका? दो साल। अच्छा, 2 साल हो गया ना। ये देखिए इनके जो भाई साहब हैं ये भी बोल रहे हैं बाहर से, इनको भी मालूम है और इनके छोटे भाई हैं। तो मुर्गी का देख रेख आप ही रखते हैं नहीं? हाँ। देखिए बाहर से जो दाना वगैरह दे रहे हैं वही मुर्गी का देख रेख करते हैं। और ये बताइए भैया कि जैसे आप मुर्गी पालन करें तो मुर्गी में अभी तक आपको कितना फ़ायदा हुआ दो साल में? दो साल में हो गया है मतलब 2,500-3,000 रुपये, मतलब कम बेसी निकाल के बेच देता है। अच्छा, 2,500-3,000 आप बेच दी है अभी तक? हाँ। और जो है अभी आपके पास कितना पीस है मुर्गी सब मिला के, मुर्गा मुर्गी? अभी मेरे मिला के वही 40-45 है। अच्छा, 40-45 है अभी तक? हाँ। तो इसमें से अभी अंडा जो बेचते होंगे, अंडा वगैरह क्या रेट मिलता है आपका बेचने? अंडा 12 रुपया। 12 रुपया पर पीस? हाँ। तो अभी जैसे पर डे कितना मुर्गी अंडा दे रही होगी? 4-5 मुर्गी जो है पर डे अंडा दे रही है। तो दोस्तों मुर्गियों को हम इकट्ठा आप लोगों को दिखाएंगे एक जगह, थोड़ा सा दाना को दीजिएगा एक जगह ताकि मुर्गी एक जगह हो पाए। ये देखिए अब दाना दिया जाएगा, सब मुर्गी जो है ये देखिए इकट्ठा हो रही है किस तरीके से, जो है छोटा बड़ा सभी किस्म का यहाँ पर है। दो मुर्गी से इन्होंने शुरू किया था और अभी जो है हर साल इनके पास जैसे 2,500-2,500 का बिकता है। और जो है अंडा जो डेली इनके पास उपलब्ध हो रहा है, 5-6 अंडा भी उपलब्ध हो जा रहे हैं, जो है 12 रुपया के हिसाब से बिकता है। ये छोटा सा इनका फार्म है, मेरे को लगता है 12x15 का होगा। चारों तरफ जो है ये जाली वगैरह नेट वगैरह लगा के रखे, जैसे मुर्गी किसी भी हाल में
बाहर ना निकल पाए और जो है ये लोग फसल जैसे नुकसान ना कर पाए। खेती वगैरह करते हैं सब्जी का, उसको भी दिखाएंगे। उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत से जो है ये घेरा बना के रखा है ताकि मुर्गी जो है बाहर बिल्कुल ना निकाल पाए। और देख सकते हैं मुर्गी किस तरीके से सवेरे सवेरे दाना चुग रही है। तो चलिए इसके बारे में सभी चीज़ जानकारी लेंगे, इनके छोटे भाई से उनका परिचय ले लेते हैं और मुर्गी पालन करने का खास उनका क्या कारण है, इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, सभी चीज़ उनसे जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये है इनका छोटा सा मुर्गी का जो है कड़कनाथ मुर्गी का शेड है। आप देख पा रहे किस तरीके से यहाँ घेरा बना के रखा गया है और इसी के अंदर में जो है मुर्गी यहाँ पर रहती है। तो ये है हमारे किसान। तो भैया आपका शुभ नाम बताए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है जी। सत्येंद्र नाम सी डी सिंह भी बोलते हैं। सी डी सिंह के नाम से हम लोग जानते थे क्योंकि आप जब हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे हाँ। तो उस समय जो है सी डी के नाम से हम लोग जानते थे हाँ। तो ये बताइए कि आप मुर्गी पालन करने का आपको कैसे आइडिया आया कि गांव देहात में जैसे देसी मुर्गी लोग पालते हैं, आपने कड़कनाथ का चॉइस क्यों किया, इसमें क्या खास चीज़ आपको नज़र आया इसमें? 2016-17 में मैं जाबर में कृषि विज्ञान केंद्र में काम किया था। अच्छा। और वहाँ देखा इससे बड़ा था फार्म, करीबन 20 फीट लंबाई था और 15 फीट चौड़ाई भी था। चौड़ाई भी था। और वहाँ देखा कम से कम 250-300 मुर्गी फार्म में था मुर्गी कड़कनाथ। वहाँ हम बात भी किए तो बहुत महंगा ही बताए थे वहाँ। अच्छा। 700-800 रुपए समय समय के आधार पे इसका रेट उतार चढ़ाव होते रहता है। अच्छा। तो अंडा हम वहाँ से 13 रुपए पीस लाए थे। अच्छा, 13 रुपए पीस लाए थे हाँ। तो उसी को जो है घर में आपने तैयार किया है हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो इस रेट से लाए थे उसी रेट से क्या अभी गांव घर में बिक जाता है, बिक्री हो जा रहा है मुर्गी? हाँ, बिक्री हो जाता है। बिक्री हो जाता है, बिक्री हाँ, में कोई दिक्कत नहीं है। 600-800 अच्छा, समय के अनुसार। समय के अनुसार। तो ये बताइए कि ये जो मुर्गी आप रखे हैं अभी 40-45 है हाँ, तो आप मुर्गी को और कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना संख्या में आप रखना चाहते हैं मुर्गी को? 100-150 तक आप रखने का आपका इच्छा है हाँ, उतना होते रहेगा, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो मतलब बिक्री होते जाएगा, बिक्री होते जाएगा हाँ। तो ये जो मुर्गी पालन कर रहे हैं आप, देसी मुर्गी भी है और साथ में जो कड़कनाथ है दिख रहा है हाँ, छोटे से पिंजरे टाइप का आपने बना दिया इसी में, तो दिन भर मुर्गी जो इसी के अंदर में रहती है हाँ, दिन भर इसी के अंदर में, इसी के अंदर में रहती है। तो यदि अभी के समय में पूरा मुर्गी को आप इकट्ठा बेच दें 40-45 है तो कितना किलो हो सकता है कुल मिला के यहाँ? गिनती में यदि है 40-45 है तो बोल रहे हैं कि जैसे 1 किलो साइज का भी है, 1 किलो साइज का जो कितना पीस होगा यहाँ पर? 1 किलो साइज का वही 4-5 पीस होगा। अच्छा, और उससे छोटा? उससे छोटा वही ये छोटा साइज का है ना हाँ हाँ, 18-19 के है। अच्छा, 18-19 है। और जो है ये जो इस टाइप का दिख रहा है काले काले रंग का, ये भी तो काफी दिख रहा है जैसे हाँ, ये जो बड़ा बड़ा साइज है वो लोग 1.5 किलो लगभग है। अच्छा, 1.5 किलो साइज का भी है हाँ, 1.5 किलो साइज का भी तो है। कुल मिला के माना जाए कि 20 पीस छोटा है, 20 पीस बड़ा है। बड़ा है तो 20 पीस में मैं मान सकता हूँ कि कम से कम 20 किलो तो होना अनिवार्य है। अनिवार्य। तो 20 किलो का जो रेट है अभी के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 600 रुपये किलो है, तो 20 किलो का तो 12,000 रुपया रेट बनता है हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि 100-150 तक आपका रखने का हिसाब है, तो 100-150 पीस यदि रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इनकम होगा हाँ। और अभी जैसे इतना मुर्गी रख रहे थे इसके पीछे आपका जो रोज़ाना खर्चा है कितना बैठ रहा है, डेली का जो है खर्चा कितना हो रहा है इसमें? इसमें डेली का हाँ, वही 1-2 किलो गेहूं खा जाते हैं सब। अच्छा, 1-2 किलो गेहूं खा जाते हैं, प्लस में ये सब पता देते हैं, भूसा भी देते हैं, खुदी भी देते हैं। अच्छा, जो दिखने में जो है गेहूं ही ज़्यादा खर्चीला लग रहा है, जैसे आपका घर का है तो उसका भी जो रेट है अभी 22-25 रुपया, तो कुल मिला के 50 रुपये आप इसको दाना दे रहे हैं रोज़, और जो घर का गोभी पत्ता वगैरह है उसको दे रहे हैं, और जो भी भूसा वगैरह है, भूसा भी मेरे को लगता है घर में तैयार करते हैं ना, तो सभी चीज़ लगभग घर का है, केवल गेहूँ भी इनका घर का है, खरीदना कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसको क्या है कि खेत में उगाना पड़ता है। तो ये सबसे आपको जैसे साल भर में मोटा मोटी माने तो कितना खर्चा हो जा रहा है इसके पीछे और कितना आपको बचत हो रहा है? साल भर में अभी मान लीजिए कि 50-60 किलो तो गेहूँ में खिला चुका हूँ, 50-60 किलो गेहूँ खिला चुके हैं। और इनकम आप बोले थे कि 2500-3000 का आपने बेचा है,
तो अभी तो इसको आपको बेचना नहीं है, कि बेचना है तो बताइए। जैसे हमारे पास फ़ोन करते हैं हमारे दर्शक हैं या फिर कोई किसान है जो आपसे लेना चाहेंगे, एक मुर्गी हो सकता है, एक मुर्गा हो सकता है, लेके वो भी अपने फार्म में रखना चाहते हैं, फार्म खोलना चाहते हैं, तो क्या आप बेचने वाले हैं, आपके पास है अभी ऐसे? ऐसे तो अभी नहीं है, अभी सब तैयारे हो रहे हैं। वो छोटा में वो कौन मुर्गा है कौन मुर्गी है अच्छा पता नहीं पता नहीं चल पाता है। अच्छा, जैसे कुछ बड़ा होगा उसके बाद। तो आप अपना नंबर बता दीजिए, यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे, हो सकता है कि आपसे कोई लेना चाहे तो आपके पास डायरेक्ट संपर्क करेंगे, तो आप अपना नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 93-99-85-76-76। और जो क्या रेट से आप बेचेंगे जब तैयार होगा उस समय, उसका भी बताइए। बेचेंगे तो मतलब तैयार हो जाता है तो जाबर कृषि विज्ञान है, वहाँ मेरा मतलब एक आदमी है, भतीजा काम करता है, तो रेट का भाव मैं वहाँ से भी पता कर लेता हूँ कैसे है। तो फार्म है इसलिए वहाँ से मैं थोड़ा मोड़ा 10-20-50 कम में भी दे देता हूँ। अच्छा, तो ये मुर्गी पालन के अलावा आप और क्या करते हैं? मुर्गी पालन के अलावा और बस यही खेती बाड़ी, मकई वकई लगाए हैं, वो प्लान किए हैं और कुछ करने का। अच्छा, और कुछ करने का प्लान किया है। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दो, ये देखिए इनका जो है शेड है, वो मुर्गी का शेड आप लोगों को देख चुके हैं। और ये जो है खेत में जैसे अपने बाड़ी में लहसुन वगैरह जो है लगाए हुए हैं, और इसमें जो है मक्के अभी कहीं के दिख रहा है। जो गांव देहात में होता है किस तरीके से लहसुन का खेती, छोटे से आंगन बना के इसमें जो है लहसुन का खेती किया गया, इसमें जो है मुर्गी जो है प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए इन्होंने घेरा भी बनाया है। इधर दिख रहा है इनका जो है कुंदरू बोलते हैं ना इसको, कुंदरू का जो है यहाँ भी इनके पास झाड़ है। तो और इधर जो है केले का पेड़ है, सभी चीज़ है। और इधर इनका जो है छोटा सा घर है, जैसे हमारे गांव देहात में होता है। और इधर जो है इनका बैल रखने का जगह है, घर है। तो इसी घर में हमारे किसान रहते हैं और मुर्गी पालन करते हैं, गाय पालन है, सभी चीज़ यहाँ अपने आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग और मुर्गी पालन का जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इसी तरीके का देसी मुर्गी का जो है वीडियो आप लोगों को कवर करके लाते रहेंगे, आप लोगों को अच्छा अच्छा जानकारी देते रहेंगे। तो भैया ये तो हो गया खर्चा और लाभ के बारे में, इसके पीछे जो है दवा वगैरह कितना लगता है, बीमारी के बारे में कुछ बताइएगा इसके पीछे क्या? ये मुर्गी में तो अभी तक कोई बीमारी लगा ही नहीं है। अच्छा, 2 साल में अभी तक कोई बीमारी नहीं लगा है। 2 साल में पाला हूँ तो इसमें मतलब ये हमारे टोला है ना, दुआनवा पारा, यहाँ एक बार का समय ऐसा था जो कि किसी के घर में मुर्गी तक भी नहीं था। अच्छा, पूरा बीमारी के कारण मतलब नष्ट हो गया। तो इस मुर्गी में बीमारी नहीं आया है। और प्लस में आदमी का बीमारी का इलाज भी करता है। हाँ, किस चीज़ जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, और अनेक तरह से ऐसे छोटे मोटे बीमारी हैं जो कि उसको काम करता है। दवाई के रूप में इसको सेवन करते हैं। तो ये बताइए कि इसके पीछे जैसे कोई अलग से कोई दवा वगैरह नहीं यूज करना पड़ता है, जैसे वजन? अभी तक तो मैं नहीं किया हूँ। नहीं किए हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात। उस दिन शिविर लगा था तो मैं बोला जी कि मेरे को मुर्गी दवाई चाहिए, तो पालन किए हो तो मैं बोला हाँ 40-50 है, तो पाउडर दिए हैं थोड़ा सा मेरे को। अच्छा, 20-30 ग्राम तो बोले जी कि पानी पिलाना, उसमें एक चुटकी डाल देना और पानी उसी को मुर्गी पिएगा। अच्छा, उसी को पिएगा, उससे जो है मुर्गी ठीक रहेगी। तो ये जो शेड आपने बनाया, इसको बनाने में आपका कितना खर्चा हुआ लगभग, जो जाली वगैरह आपने लगाया है इसमें? इसमें मेरा जाली में लाया था इसको 3500 में, 3700 लगा था, 35 या 37 लगा था। और ये तिरपाल मान लीजिए कि लगा होगा, तिरपाल भी मान लीजिए 1200 का। तो कुल मिला के माने तो 4-5 हज़ार रुपया आपने जो है शेड बनाने में खर्चा किया है। और मुर्गी जो है, मुर्गी जो आपने लाया था 2 मुर्गी, उसको भी कितना में लाया था, 2 ठों को बोल रहे हैं? 2 ठों को लाया था, वही समय समय में रेट घट भी जाता है। 700 रुपया का रेट भी मानिए, तो 2 ठों के कितना मिलाए थे आपने? वही 1400 में लाया था। तो कुल मिला के 5-6 हज़ार रुपया आपका इसके पीछे खर्चा हुआ है। और अभी जो वर्तमान में है आपके पास दिख रहा है 14-15 हज़ार का माल आपके पास है, और अभी जो है आपने 2500-3000 का बेच भी लिया है। तो कुल मिला के आप फायदे में हैं। तो मुर्गी पालन से फायदा हो सकता है, यदि कोई किसान 2-3 मुर्गी से शुरू करना चाहे और इसी धंधे में जैसे मुर्गी पालन में आए, तो क्या उसको फायदा होगा कि कभी नुकसान भी हो सकता है? उसको फायदा होगा,
फायदा ही होगा। हाँ, ये मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है ना, हाँ, तो मतलब एक महीना कंटिन्यू अंडा देगी। अच्छा, एक महीना कंटिन्यू 30 अंडा वो देगी। देगी 30 अंडा। तो 30 अंडा का तो 12×36 350 रुपए का तो आपका अंडा ही। अंडा मतलब समय समय में उसका भी रेट बढ़ जाता है, अंडा का भी। अच्छा, रेट बढ़ जाता है। हाँ, मैं जैसे कि लाया था ना, 13 रुपया में लाया था। अच्छा, 13 रुपया। समय के अनुसार 10 रुपया में भी बेचता हूँ, 12 रुपए में भी बेचता हूँ, 13 रुपए में भी बेचता हूँ। हर सीजन का जो है अलग अलग रेट होता है। हाँ, जैसे कि सब्जी का होता है, हाँ, समय में कम हो जाता है, समय में उछाल मार देता, हाँ, है। हाँ, हाँ। तो इसी प्रकार इसका भी, हाँ, रहता है। तो भैया आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर से नए किसान के साथ, नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।